नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। लाल किले की प्राचीर से प्लास्टिक को ना कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की, तो डीडीए ने दिल्ली में हरियाली लाने के लिए वृक्षारोपण पर जोर दिया। और भी होंगी तमाम सारी खबरें जल शक्ति समाचार में, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। व्यवहार परिवर्तन के एक और आंदोलन की पीएम ने की अपील, सिंगल यूज प्लास्टिक से मिले पर्यावरण को मुक्ति। डीडीए ने दिल्ली के स्कूलों के साथ किया एमओयू, हर स्कूल को 500 पेड़ लगाने का दिया लक्ष्य। नेहरू युवा संगठन ने पिंडर घाटी में चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छ गंगा मिशन को मिली सफलता, नदियों में दिखने लगी डॉल्फिन। तो स्वच्छ भारत अभियान की शानदार कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और व्यवहार परिवर्तन के आंदोलन के लिए आह्वान किया है। आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से नकारने की प्रधानमंत्री ने अपील की है। 15 अगस्त 2014, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया था, और इस बार लक्ष्य देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का है। प्रधानमंत्री ने बढ़ते प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और पर्यावरण संकट को ध्यान में रखते हुए आम जन से एक मुहिम में जुटने का आह्वान किया। इस 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने का प्रयास। हम निकल पड़े टोलियां बनाकर, निकल पड़े स्कूल कॉलेज संस्थानों में जाकर जागरूकता फैलाएं। घर बाहर चौराहों पर गंदी नाली में पड़े सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करें, एक जन जागरण फैलाएं और देश को इससे मुक्ति दिलाएं। घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या। उन्होंने स्टार्टअप्स उद्यमियों से भी अनुरोध किया कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की तकनीक तैयार हो। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि आप बोर्ड के माध्यम से लोगों से कहें कि कृपया हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा ना करें, लोगों को जन जागरण का हिस्सा बनाएं। प्लास्टिक की जगह जूट या कपड़े के थैले का इस्तेमाल हो, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। जूट के थैले हो मेरे किसानों को मदद करेगा, कपड़े के थैले हो मेरे किसान को मदद करेगा, छोटे छोटे काम है गरीब विधवा माँ जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि हम भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम करेंगे, साथ ही इस अभियान से राज्यों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर्यावरण संरक्षण और राजधानी दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए डीडीए ने एक शानदार पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली के स्कूलों के साथ एक एमओयू साइन किया है। स्कूलों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बच्चों के जरिए वृक्षारोपण की मुहिम को आगे बढ़ाएं। जीवन वहीं बढ़ता है जहां पेड़ होते हैं। महानगर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली लाने की कवायद को आगे बढ़ाते हुए डीडीए ने दिल्ली के स्कूलों के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू में सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया गया है कि वह बच्चों के जरिए 500 पेड़ लगाएं। ये जिम्मा ऐसे स्कूल को दिया गया है जहां इको क्लब पहले से स्थापित है। ऐसे स्कूलों को डीडीए सालाना 25,000 रुपए ग्रांट के तौर पर देती है, साथ ही पेड़ उगाने का सारा खर्च डीडीए खुद वहन करेगी। इस वर्ष हमने 200 स्कूल्स को चुना है। ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें इको क्लब पहले से ही बने हुए हैं। हर स्कूल को 500 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, और 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ये एक एक पेड़ लगाएंगे, जो उन्हीं के नाम से, जो बच्चा पेड़ लगाएगा उसी के नाम से वो पेड़ होगा। वृक्षारोपण की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और डीडीए के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर बोलते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने कहा कि देश ने साल 2019 तक ODF के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। देश के लगभग 4,400 शहर में से 4,024 शहर ने खुद को ODF घोषित कर लिया है। जो टारगेट मोदी जी ने दिया था कि 15
अगस्त 2014 को ये 2 अक्टूबर 2019 हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएंगे। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दैट। अगर 4,400 शहर हैं उसमें से 4,024 के करीब ऑलरेडी ODF डिक्लेयर हो चुके हैं। अब बारी पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने की है। जाहिर है जल के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए पेड़ उगाना जरूरी है, इसलिए दिल्ली के स्कूली बच्चों के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। 6 से 12 क्लास तक के बच्चे वृक्षारोपण के जरिए इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। वृक्षों के साथ बच्चों के नाम जुड़ेंगे, साथ ही इस मुहिम को भी नया कारवां मिलेगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और नेहरू युवा संगठन का एक 26 सदस्यीय दल पिंडर घाटी में स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड के बागेश्वर से रवाना हुआ। दल के सदस्यों ने घाटी के गांवों और स्कूलों में स्वच्छता के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया। ये अभियान उत्तराखंड समेत कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल के हिमालयी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। IMF के दल ने 408 बैग कूड़े को नगरपालिका बागेश्वर को सौंपा। दल के लीडर पुरमल सिंह धर्म शक्तु ने स्वच्छता अभियान में पिंडर वैली के सभी युवाओं, स्कूली बच्चों और NSS स्वयंसेवियों को शामिल किया। दल ने युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही बच्चों को आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दी। हमने कई गाँव कवर किए हैं पिंडर वैली में। आगे रास्ता पुल हटा दिया है ये पिंडर नदी से, उससे आगे हम नहीं जा पाए। और टोटल बैग्स हमने 408 बोरे कलेक्ट किए हैं और कुछ दिन हम सूपी साइड भी गए हैं। उसके बाद दल के सदस्यों ने घाटी में शानदार काम किया, साथ ही स्वच्छता अभियान में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की वह भी काफी प्रशंसनीय है। IMF की टीम ने जैविक अजैविक कूड़े को अलग अलग इकट्ठा कर शानदार संदेश दिया है। ये लोग आज यहाँ पर 2 गाड़ी कूड़ा जो कि प्लास्टिक के रूप में और कांच के रूप में अलग अलग करके लाए हुए हैं, तो इनका यह कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है और एक संदेश है समाज को, इस क्षेत्र को दिया है इन्होंने, जो भी वहाँ पर पर्यटक जाते हैं। IMF का यह अभियान विगत 3 साल से चल रहा है। इस अभियान ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कूड़े से होने वाली परेशानियों को काफी कम किया है, साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया है। राघवेश पांडे की रिपोर्ट, DD न्यूज, बागेश्वर। और डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कामयाब होते हुए दिख रहा है। जी हां, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच के नहर में एक बहकर डॉल्फिन वहां पर आ गई। गांव वालों ने उसे सुरक्षित मुख्य नदी में पहुंचा दिया। जाहिर सी बात है कि स्वच्छ गंगा मिशन का ये दावा अब सच साबित हुआ है कि नदियों के स्वच्छ होने के बाद भारी संख्या में डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों में देखी जाने लगी है। तो जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं और DD न्यूज की इस खास मुहिम के साथ फेसबुक पर DD न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव और @DD न्यूज हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।